हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर। आज से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ वो क्लास सिक्स की क्लास है और जिसका चैप्टर वन है नोइंग आवर नंबर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला जो नंबर्स का टाइप है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो नेचुरल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये जो है इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि अनंत, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक आप काउंटिंग बोल सकते हैं वो जो है इन्फिनिटी कहलाता है। नेचुरल नंबर का मतलब ही यही होता है कि काउंटिंग विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर्स का टाइप आता है वो आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर जो है वो भी नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन होल नंबर में जो है एक ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है उसके साथ। तो नेचुरल होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला होल नंबर कौन सा है, तो हमें बताना सबसे पहला होल नंबर कौन है, 0, और सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन है, 1। मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा आपका कंसेक्यूटिव, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कंसेक्यूटिव क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आएगा कंसेक्यूटिव, तो हम पहले कंसेक्यूटिव का मतलब समझ लेते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार, यानी कंटिन्यू। लगातार का मतलब जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग के दो कंसेक्यूटिव नंबर बताओ, तो 1 और 2, ये दोनों आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव, यानी कि 1, 2, 2, 3, ये दोनों कंसेक्यूटिव है। 10, 11, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार नंबर, ठीक है, एक के बाद एक जो होता है वो कंसेक्यूटिव कहलाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर का मतलब भी है कि एक डिजिट आगे का, जैसे कि अगर आपको पूछा जाता है कि 4 का सक्सेसर बताओ, तो 4 में अगर +1 करेंगे, +1 करना है इसमें, तो 4 का सक्सेसर हो जाएगा 5। अगर आपको पूछा जाता है 10 का सक्सेसर बताना है, तो 10 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 11। यानी कि सक्सेसर का मतलब कि एक नंबर आपको आगे की तरफ जाना है। और नेक्स्ट एक आता है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि एक नंबर आपको बैक जाना है, यानी कि पीछे जाना है। जैसे कि अगर आपको बोला जाता है कि 5 का प्रेडिसेसर बताओ, यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो 5 का प्रेडिसेसर है 4। अगर पूछा जाता है जैसे कि 13 का प्रेडिसेसर, 13 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 12, तो 13 का प्रेडिसेसर हो गया 12। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अभी हमने बेसिक में देखा है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब इन सब में से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर =1, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी मैंने बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटा जो होल नंबर है वो कौन है, 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट
होल नंबर इक्वल जीरो। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर। इसने पूछा है क्या सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हैं। तो देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जीरो टू थ्री टू इन्फिनिटी, है ना, ये जो होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा क्या ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हैं। क्यों है, क्योंकि होल नंबर में भी तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन टू थ्री इन्फिनिटी, तो होल नंबर में भी तो वन टू थ्री इन्फिनिटी आ रहा है। तो यस हम कह सकते हैं कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होल नंबर नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो लिखे हुए हैं वो हमारा होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो ही होल नंबर के अंदर भी देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड हो रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। अब इसका उल्टा पूछा है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे तो देखो सारे होल नंबर को देखो, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। तो बाकी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते थे, लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे नो, नो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ होल नंबर में जीरो आता है जो होल नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ नो लिखा है। क्योंकि वन से इन्फिनिटी तक तो नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन नंबर 60 एंड 61। 60 और 61 के बीच में आपको बताना है कि कितने होल नंबर हैं। अब आपको 60 और 61 इनके बीच में कोई नंबर आता है क्या, हाँ इनके बीच में पॉइंट में नंबर आ सकते हैं ना, लेकिन पॉइंट वाला जो है हमारा होल नंबर नहीं होता है। क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या इनके बीच में कोई होल नंबर है, तो 60 के जस्ट बाद 61 आता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज जीरो होल नंबर बिटवीन 60 एंड 61। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, गिव टू कंसेक्यूटिव होल नंबर हुज सम इज 9, फाइंड द कंसेक्यूटिव होल नंबर। मैंने आपको अभी पहले बेसिक पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कि क्वेश्चन में एक कंसेक्यूटिव वर्ड आएगा, है ना। तो कंसेक्यूटिव का मतलब बताया मैंने कि कंसेक्यूटिव क्या होता है, कि जो कोई भी नंबर है उसका जस्ट आगे वाला नंबर, यानी कि लगातार नंबर, है ना, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसे गिव टू कंसेक्यूटिव होल नंबर, ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर बताओ जिनका सम, सम का मतलब क्या होता है, कि जिनको एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा सम कहलाता है। यानी कि अगर उन दोनों नंबर को ऐड करो तो उसके बाद उनका जो सम आएगा वो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तब आपको वो दोनों नंबर बताने कि वो दोनों नंबर कौन से हैं। अब मुझे नहीं पता वो दोनों नंबर कौन से हैं, ठीक है, मान लेते कि मुझे नहीं पता है कि वो दोनों नंबर कौन से हैं, फिर भी हम पता करेंगे कि वो नंबर कौन से हैं। ठीक है, इसने हमको एक हिंट दे रखी है ना, कौन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो हम उस हिंट की हेल्प लेके हम उसको सॉल्व करेंगे कि वो दोनों नंबर कौन से हैं। तो मानना कि मेरे को नहीं पता है, तो मैं मान लेती हूँ कि लेट फर्स्ट नंबर, दो नंबर है हमारे पास, तो पहले मैं लेती हूँ लेट फर्स्ट नंबर। मान लिया मैंने फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, x, मुझे नहीं पता है कि कौन सा नंबर है, इसलिए मैंने x माना, है ना,
कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर है, तो सेकंड नंबर जो है वो हमारा x प्लस वन होगा। अब x प्लस वन क्यों लिया मैंने, पहला नंबर x है तो दूसरा उसका जस्ट आगे वाला लेना है हमको, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कंजिक्यूटिव की, कंजिक्यूटिव का मतलब है जस्ट आगे वाला, तो जस्ट आगे वाला कब आता है, जब हम उसमें प्लस करते हैं, प्लस वन करते हैं तब हमारा आगे वाला नंबर आता है। तो जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू मान लेती हूँ मैं, है ना, कि टू है, तो टू में प्लस वन करूंगी तभी तो थ्री आएगा उसका आगे वाला। इसलिए मुझे नहीं पता था नंबर कौन से हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर x मान लिया और सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया, x प्लस वन मान लिया। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में बोला हमको कि इसका इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इसने सम करने को बोला, इसलिए मैं सम कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से सम नहीं कर रही हूँ, है ना। तो फर्स्ट नंबर हमारा x था, उसमें हमने प्लस किया किसको, x प्लस वन को, यानी कि ये पहला नंबर है और ये हमारा ये वाला दूसरा नंबर है, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, तो इसने बोला कि इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वो नाइन आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, इसने जैसा बोला वैसा मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी। अब देखो x, x और x ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम इन दोनों को एडिशन करेंगे। ठीक है, तो x प्लस x, x को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये x क्या है। ठीक है, मान लो ये x नहीं है, यहाँ पे एक पेन है, इस x की वैल्यू मान लो कि ये x नहीं है और क्या है, पेन है, तो एक पेन और एक पेन, टोटल कितने पेन हो गए, दो पेन हो गए, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 2x, x और x को आपने ऐड किया तो कितना आ गया, 2x, और प्लस का 1 जो है वैसा का वैसा, इस 1 को इसके साथ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये x वाला है और ये विदाउट x वाला है। ठीक है, और इक्वल में 9 जो था वो भी मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब खाली मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, इन सबको बाकी जो भी बच रहे हैं 1, 2 इनको सबको उस तरफ भेजें। अभी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 और 1 इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगी, इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, अब इधर ट्रांसफर करूंगी तो देखो कैसे ट्रांसफर होता है, पहले ये 1 ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये 2x यहीं रहेगा, इक्वल की जगह मैंने इक्वल रखा, 9 की जगह मैंने 9 रखा। अब इस 1 को आपको क्या करना है, उस तरफ भेजना है, तो ये प्लस का 1 है वो उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। हमेशा ध्यान रखना है प्लस जो है अपोजिट साइड जाके माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 2x इक्वल 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8, कितना बचा, 8। अब मुझे इस 2 को हटाना है, ये 2 और इस x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो x ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या होगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू जो आएगी 8 में आप 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, 4। x हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर माना था, ये रहा यहाँ पे, है ना, x हमने फर्स्ट नंबर माना था, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया वो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब सेकंड नंबर चाहिए, तो इस 4 में x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 में प्लस 1 कर दो तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स हमारी जो फर्स्ट नंबर आया हमारा 4 और सेकंड नंबर 4 प्लस 1, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, x प्लस 1 करेंगे तो सेकंड नंबर आ गया हमारा 5। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला था, ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो हमने पता लगा लिया, हमको नहीं पता था कौन से दो नंबर है, लेकिन फिर भी अब हमको पता चल गया है कि 4 और 5 ये दोनों ऐसे नंबर है जिनको आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। यानी कि हमको जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब हमें नहीं पता था वो दोनों नंबर कौन से हैं, और अब हमको पता चल गया है कि वो दोनों नंबर, एक 4 है और दूसरा 5 है। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको वापस रिपीट करके वापस एक बार वापस देखें तो आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है जो है देर आर 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर। पहले हमने 2 कंजिक्यूटिव की बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस बार इसने बोला है कि यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, यानी 3 लगातार नंबर है। अब कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करके हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसने बोला 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, फिर इसने बोला द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड होल नंबर, यानी कि पहला जो भी नंबर है उसको और तीसरा जो भी नंबर है उनको अगर आप ऐड करते हैं तो सम जो आएगा वो कितना आएगा, 36। यानी कि उन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर जो आएगा वो 36 आएगा। ये हिंट दे रखी है आपको, फाइंड द मिडल नंबर, बीच वाला नंबर फाइंड करना, यानी कि सेकंड वाला नंबर। हिंट दिए इसने फर्स्ट और थर्ड की और पूछा हमको सेकंड नंबर है, ठीक है। मान लेते हैं कि मतलब जैसे कि इसने बोला कि यहाँ कोई 3 नंबर है ऐसे, ठीक है, कौन से 3 नंबर है अभी हमको नहीं पता है, हम फाइंड करेंगे। लेकिन इसने बोला है कि इन 3 नंबर है। अब इसने बोला है कि यहाँ वाला जो नंबर है और यहाँ वाला जो नंबर है इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 36, ठीक है। लेकिन इसने पूछा अपने को ये है कि ये वाला जो नंबर है यानी कि इस मिडल वाला जो नंबर है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे कि कौन सा होता है नंबर। वैसे हम ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है तो हम ऑरली भी कर सकते हैं ना, ऑरली जैसे पिछले वाला क्वेश्चन भी था तो जिसमें बोला था कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको ऐड करने के बाद प्लस मतलब उनको ऐड करें तो 9 आंसर आ जाता है। तो हमको नॉर्मली ऑरली हम कर सकते हैं, 4 + 5 = 9 होता है, लेकिन हमको क्वेश्चन को लिखना भी है तो हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको मेथड बताया जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर लेने हैं हमको, तो देखो हम मान रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे अभी हमको नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कौन से नंबर दे रखे हैं, तो हम पहले मान रहे हैं कि लेट फर्स्ट नंबर एक्स, ठीक है। मैंने माना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो एक्स है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि क्या नंबर है, ठीक है, हमको अभी कुछ नहीं पता है। फिर हम देखेंगे सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर कंजिक्यूटिव बोला, कंजिक्यूटिव मतलब जस्ट इसके आगे वाला, यानी कि एक्स में क्या प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो तो इसके आगे वाला नंबर आ जाएगा। फिर इसने बोला है कि तीसरा नंबर भी चाहिए, तो थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 2, ठीक है। एक्स पहला नंबर, नेक्स्ट उसके आगे वाला एक्स प्लस 1, नेक्स्ट उसके आगे वाला एक्स प्लस 2। अगर आगे और बोला होता x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे हम नंबर निकालते रहते, लेकिन यहाँ पे हमको 3 नंबर की बात करी तो मैंने तीनों नंबर ले लिया। फिर देखो क्वेश्चन में इसने हिंट दिए कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट कौन सा है ये वाला, थर्ड कौन सा है ये वाला। इसने बोला इन दोनों को ऐड करो, यानी कि x और x प्लस 2 को ऐड करो, तो हम इनको ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको ऐड करते हैं, तो x प्लस 2 इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। x पहला नंबर लिया, तीसरा नंबर मैंने x प्लस 2 लिया, इन दोनों को ऐड किया तो इसने बोला 36 आंसर आएंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे कि इन दोनों को ऐड करोगे 36 आंसर आएंगे, ठीक है। लिख दिया हमने कि इन दोनों को ऐड करके 36 आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस x एक x ये रहा, एक x ये रहा, इन दोनों को आप ऐड करोगे टोटल कितने x हो गए, 2x प्लस ये 2, ये 2 बिना x वाला है इसलिए इसको इसके साथ में मत लिख देना, 4x मत कर देना, है ना। ये 2x प्लस 2 होगा इक्वल 36। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इन नंबर को, तो ये 2 है वो इस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x एज इट इज, ये 36, और हम इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 2, प्लस था इधर आके माइनस हो गया। 2x इक्वल 36 में से 2 गया, कितना बचेगा, 34, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 जो है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में हमको इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल 34 डिवाइडेड बाय 2, 34 में आप 2 का डिवाइड देंगे
तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। यानी कि हमको नहीं पता था स्टार्टिंग में कि पहला नंबर कौन सा है, लेकिन हमने सॉल्व करके पता कर लिया कि पहला नंबर जो है वो 17 है। अब 17 पहला नंबर है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव की बात हुई है, तो ये फर्स्ट नंबर है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये अपना आ गया फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब कंसेक्यूटिव है मतलब जस्ट आगे वाला, तो हमारा सेकंड नंबर कौन सा हो गया, सेकंड नंबर 18 होगा, 17 के जस्ट आगे 18। और थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा 19। तो हमारा मिडिल नंबर जो है वो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, राइट द सक्सेसर। आपको क्या करना है, सक्सेसर बताना है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर का मतलब भी यही है कि प्लस वन करना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टू सिक्स आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन 8 के अंदर मैं आपको फर्स्ट वाला कराऊंगी और सिक्स वाला कराऊंगी। ठीक है, और सेकंड टू फिफ्थ मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगी, आप घर पे बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके अंदर तो आप कमेंट में लिख के भेजेंगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको वापस रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है 78 का आपको क्या बताना है, सक्सेसर बताना है। सक्सेसर का मतलब हुआ आपको प्लस वन करना है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सक्सेसर ऑफ 78 का सक्सेसर यानी कि इसमें प्लस वन करना है, तो 78 प्लस वन तो कितना आ गया, 79। मतलब सक्सेसर ऑफ 78 अगर पूछा जाता है आपको, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 79। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला था। नेक्स्ट मैं आपको सिक्स वाला करके बता रही हूँ, बीच के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगी, क्योंकि आपके पास बुक नहीं होगी इसलिए आप क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे और घर पे बैठ के रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे। 9654701 ये आपको क्वेश्चन दे रखा है सिक्स वाला, और इसका आपको सक्सेसर फाइंड करना है। सक्सेसर ऑफ 9654701, इसमें आप प्लस क्या कर देंगे, वन प्लस कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 96,54,702 था, इसमें प्लस वन किया 702 आ गया। बहुत इजी चीज है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इजीली समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चन सेकंड टू फिफ्थ आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, जो आप बैठ के सॉल्व करेंगे घर पे। ये आपके सेकंड टू फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और आप घर पे सॉल्व करेंगे। यस ऊपर वाले क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको प्रेडिसेसर लिखने हैं। प्रेडिसेसर इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट टू सिक्स है, मैं आपको फर्स्ट वाला कराऊंगी और फिफ्थ वाला कराऊंगी। बीच के क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगी, वो आप बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे। फर्स्ट का जो आंसर है, जिससे कि इसका प्रेडिसेसर बताना है। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस वाला नंबर। जैसे कि 500 का प्रीवियस वाला नंबर क्या होगा, हमको पता है कि 499 होगा, 499। ठीक है, लेकिन हमको लिखना कैसे है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रेडिसेसर ऑफ 500। प्रेडिसेसर का मतलब माइनस करेंगे वन पे, सक्सेसर में प्लस किया था इसमें हम माइनस करेंगे, तो 500 में से आप वन माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 499। यानी कि अगर प्रेडिसेसर ऑफ 500 पूछा जाता है तो हमारा आंसर होना चाहिए 499। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमको आंसर लिखना है कि इसका प्रेडिसेसर बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, प्रेडिसेसर ऑफ
88,888, इसका आपको प्रेडिसेसर बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 88,888 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 88888 माइनस 1। अब इसमें से हम माइनस 1 करेंगे, तो माइनस करना हमको सबको आता है, तो हम माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 88887। ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिसेसर हो गया। 88,888 का अगर प्रेडिसेसर पूछा जाता है तो 88,887 होगा। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर और सिक्स, ये क्वेश्चन आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, सक्सेसर और प्रेडिसेसर में ऐसा कुछ नहीं है, सक्सेसर में प्लस 1 करना है, प्रेडिसेसर में माइनस 1 करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर। आपको यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर बताने। कंजिक्यूटिव का मतलब है आगे के 3 नंबर, है ना, 3 कंजिक्यूटिव, यानी कि 48 के जस्ट आगे कौन होगा। कंजिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार, लगातार का मतलब जस्ट आगे वाला, है ना। तो 48 का जस्ट आगे कौन होगा, 49, उसके आगे 50 और उसके आगे 51, यानी कि आपको 3 नंबर बताने हैं टोटल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। फर्स्ट का आंसर है 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर, होल नंबर्स इक्वल 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर ऑफ 48 इक्वल 49, 50 एंड 51। आपको लगातार आगे के 3 नंबर लिखने थे, बहुत इजी है, आपने लिख सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है 9999, इसका कंजिक्यूटिव नंबर चाहिए। थ्री कंजिक्यूटिव होल नंबर ऑफ 9999, यानी कि इसके आपको आगे के 3 नंबर बताना है। तो इसके जस्ट आगे जो आएगा वो आएगा 10,000, फिर उसका जो जस्ट आगे का नंबर होगा 10,001, उसके जस्ट आगे होगा 10,002, यानी कि आपको 9999 का आगे के 3 नंबर बताने थे जो हम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 6, ये मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, आप लिखेंगे। ये बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैंने लिख दिए हैं, ये आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो ऑनलाइन क्लास में सबसे अच्छा फायदा है कि हम उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो आप 10 बार रिपीट करके देखिए, फिर भी अगर समझ नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।